यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप विजिट करने के लिए तो आप क्या करें, पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, पहले यूजीसी पर इसका स्टेटस चेक कीजिए, www.ugc.ac.in। दोस्तों कोर्स चाहे आपको कोई भी करना हो, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं। रेगुलर आप कैंपस में रहकर पढ़ना चाहते हैं या फिर डिस्टेंस में एजुकेशन लेना चाहते हैं, और अब तो ऑनलाइन एजुकेशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। बट अभी भी जैसे ही 12वीं पास करता है एक स्टूडेंट, उसे कोई कोर्स करना होता है, तो अभी भी जो फर्स्ट चॉइस लोगों की होती है वो यही होती है कि हम रेगुलर किसी भी यूनिवर्सिटी में रहें, पढ़ें, हॉस्टल में जाके रहें, और जो एक्सपोजर आपको मिलता है रेगुलर कोई एजुकेशन लेने का, वो आपको ऑनलाइन और किसी भी तरह से डिस्टेंस एजुकेशन में मिल नहीं पाता है। इसीलिए आप रेगुलर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में हैं जहां से आप एडमिशन ले भी सकते हैं। जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज चलती हैं पूरे राजस्थान में, उनमें से एक नाम आता है सामने, संगम यूनिवर्सिटी का। संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में यूनिवर्सिटी स्थित है, राजस्थान की ही एक यूनिवर्सिटी। जितनी टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं पूरे राजस्थान में, उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी ये भी है। टोटल राजस्थान में अगर देखा जाए तो टोटल 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। अभी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 तक टोटल 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज राजस्थान में हैं। संगम यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, संगम यूनिवर्सिटी किन किन कोर्सेज में एडमिशंस लेती है, संगम यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर कहां चेक करेंगे और क्या बोलता है नेक ग्रेड, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए संगम यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। संगम यूनिवर्सिटी दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए, आजकल जैसे नेक एक्रेडिटेशन को बहुत ज्यादा देखा भी जाता है, नेक एक्रेडिटेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल थे कि इस यूनिवर्सिटी के पास नेक एक्रेडिटेशन है या नहीं, और है तो यूनिवर्सिटी को कब नेक मिला है और ग्रेड क्या है। यूनिवर्सिटी को दोस्तों बी ग्रेड मिला हुआ है नेक का, नेक एक्रेडिटेशन जो यूनिवर्सिटी ने लिया है। कोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलाती है, जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद में सबसे पहले उसको यूजीसी का अप्रूवल लेना होता है। यूजीसी का अप्रूवल जिन यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है वो फेक यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। आप फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी यही यूजीसी की साइट से आप निकाल सकते हैं। अभी हम बात करें संगम यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी को हम यूजीसी पर कैसे चेक करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप विजिट करने के लिए तो आप क्या करें, पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, पहले यूजीसी पर इसका स्टेटस चेक कीजिए, www.ugc.ac.in। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे, इंटरफेस जो आपके सामने खुलेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, वहां पर यूनिवर्सिटीज का एक टैब बना हुआ है दोस्तों। यूनिवर्सिटीज के टैब में जैसे ही आप जाते हैं तो वहां स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ये स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसीलिए आपको स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करना चाहिए। जैसे ही आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे, सभी स्टेट्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे, उन्हीं में से एक नाम आएगा राजस्थान का। राजस्थान स्टेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो राजस्थान में चलने वाली सभी यूनिवर्सिटीज, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं राजस्थान में, सबके नाम आपके सामने आ जाएंगे। टोटल 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर आते हैं, उन्हीं 52 में से एक नाम आता है संगम यूनिवर्सिटी का। संगम यूनिवर्सिटी को आप कहाँ चेक कर पाएंगे, संगम यूनिवर्सिटी 39th नंबर पर, 39वें नंबर पर इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। संगम यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, sangamuniversity.ac.in। और यूनिवर्सिटी 2012 में बनी है दोस्तों, मई 2012 में यूनिवर्सिटी बनी है। आज हम देखें लगभग यूनिवर्सिटी को 10-11 साल हो चुके हैं चलते हुए। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि देखा जाए तो जितने अप्रूवल्स होने चाहिए उतने अप्रूवल्स हालांकि इस यूनिवर्सिटी ने लिए नहीं और उतने कोर्सेज को लिया भी नहीं। उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है मैनेजमेंट एक्टिवली काम ना कर रहा हो, ये भी हो सकता है, बट यूनिवर्सिटी के पास जितने अप्रूवल्स चाहिए होते हैं किसी यूनिवर्सिटी को चलने के लिए, उतने अप्रूवल्स इस यूनिवर्सिटी के पास है। अब यूनिवर्सिटी की और डिटेल्स को आप कैसे चेक करेंगे, मोर डिटेल्स पर आप जाइए। मोर डिटेल्स पर आप जैसे ही जाते तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन है। यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर साहब हैं उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना जी, जो प्रेसिडेंट भी हैं यूनिवर्सिटी के, और साथ में जो रजिस्ट्रार साहब हैं यूनिवर्सिटी के वो है डॉक्टर राजीव मेहता जी। जो करुणेश सक्सेना जी हैं, हालांकि इनसे पर्सनली मैं मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। आपके साथ कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, जाके पर्सनली आप यूनिवर्सिटी में जाके वीज साहब से आप जाके मिलिए और आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा।
और साथ में ही यूजीसी पर चेक करने के बाद क्लियर पता चलता है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से रिकॉग्नाइज है, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों कोई भी किसी तरह की समस्या अगर आप फेस करते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, हो सकता है ये मैसेज आपका यूनिवर्सिटीज तक आपको जरूर पहुंचे। कोई भी किसी तरह की जानकारी आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में लेना, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इस यूनिवर्सिटी के बारे में किस टॉपिक पर आप चाहते हैं या फिर किस सब्जेक्ट पर या किस यूनिवर्सिटी पर या किस कोर्स पर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे और आपके सब तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।